नमस्कार मित्रों, मैं समीर अलावादी, टेक्निकल डायरेक्टर उत्कर्ष एग्रोकैम, आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया वीडियो। मेरी सीरीज चल रही है आम की खेती की नफाकारक खेती विपरीत कंडीशन के अंदर, विपरीत वातावरण के अंदर। उस सीरीज का ये मेरा दूसरा वीडियो है। तो आज मैं बात करूँगा आम की खेती के अंदर जो अलग अलग जो स्टेजेस होते हैं, जिसको किसान को हर स्टेज पर ध्यान रखना होता है, प्रैक्टिस क्या फॉलो करनी है वो करना होता है, उन स्टेजेस के बारे में बात करूँगा, छोट शॉर्ट में बात करूंगा। तो मैं शुरू करूंगा उस स्टेज से कि जब पहला स्टेज कि जब बारिश बंद होती है। जब बारिश बंद होती है तो दो कंडीशन होती है, या क्या बोलते हैं, नए पत्ते आते हैं या नए पत्ते नहीं आते हैं। नए पत्ते जब आते हैं तो हमें अगले स्टेज पर जाना होता है, जिसके अंदर हमें पत्तियों को और डालियों को मैच्योर होना होता है। मैच्योर डालियों के ऊपर, मैच्योर पत्तों के ऊपर ही क्या बोलते हैं, फ्लावर आता है। तो वो होता है मैच्योर, डाली का मैच्योर होना, वो सेकेंड स्टेज हम बोल सकते हैं। उसके बाद में ठंड पड़ती है और फ्लावर बाहर निकलता है, इसको हम अगला स्टेज बोल सकते हैं, थर्ड स्टेज बोल सकते हैं, तीसरा स्टेज बोल सकते हैं। उसके बाद में जो फ्लावर आता है उसमें फल का सेटिंग होता है, तो उसको हम चौथा स्टेज बोल सकते हैं। फल का जो सेट हो जाता है, तो जब गर्मी पड़नी शुरू होती है या कोई वातावरण में तकलीफ आती है तो ड्रॉपिंग आता है, छोटे छोटे जो फल होते हैं वो गिर जाते हैं, तो उसको हम अगला स्टेज बोल सकते हैं। उसके बाद में ये स्टेज के बाद में आम का पेड़, आम का फल बड़ा होता है, आकार में बड़ा होता है, स्वाद में बनता है, मैच्योर होता है, तो इसको हम अगला स्टेज बोल सकते हैं, छठा स्टेज बोल सकते हैं। इसके बाद में उसका हार्वेस्टिंग हो जाता है, उसको तोड़ लिया जाता है, अच्छी तरह से पैक कर सकते हैं। तो ये पूरा साइकिल ख़त्म होता है। ये साइकिल ख़त्म होने के बाद में किसान को अगले साल अच्छा से अच्छा आम आए उसकी तैयारी के लिए कुछ प्रैक्टिसेस फॉलो करनी पड़ती हैं, कुछ फर्टिलाइज़र देने होते हैं, उसको हम सातवां स्टेज बोल सकते हैं। हर स्टेज को जब किसान पूरा ध्यान रखकर प्रैक्टिसेस फॉलो करता है, तो ही वो एक नफाकारक प्रॉफिटेबल आम का क्रॉप ले सकता है। तो ये वीडियो यहीं पर पूरा होता है। इसी तरह से मेरा अगला आम के ऊपर वीडियो आएगा, नई पत्तियों वाला स्टेज के ऊपर। तो आप हमारा फेसबुक पे हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, उत्कर्ष एग्रोकैम, और हमारा यूट्यूब का चैनल को बेल बटन दबाएं, ताकि आपको हमारे वीडियो रेगुलरली मिलते रहें। इसी तरह से हम ग्रीन हाउस की खेती के बारे में, फर्टिलाइज़र के बारे में, हाइड्रोपोनिक्स के बारे में, एक्वेरियम के अंदर जो प्लांट्स होते हैं उसकी खेती के बारे में, फलों की खेती के बारे में, वेजिटेबल्स की खेती के बारे में आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहेंगे। मैं समीर अलावादी, टेक्निकल डायरेक्टर उत्कर्ष एग्रोकैम, जल्दी आऊँगा आपके लिए एक नया वीडियो लेके। थैंक यू।